Hello friends, welcome to our new video. Today we will know how we can invest our small amount in stock market through Grow Up. Means Grow Up का मदद से हम कैसे कुछ शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं Grow Up में. तो ये सब काम करने के लिए पहले आपको Grow Up इंस्टॉल करना पड़ेगा आपका मोबाइल में. पहले प्ले स्टोर को जाना पड़ेगा, फिर प्ले स्टोर में सर्च करना है Grow Up. फिर ग्रो अप आने के बाद, ग्रो सर्च करने के बाद ग्रो अप आ जाएगा. फिर उधर ग्रो अप को डाउनलोड करना पड़ेगा. फिर ग्रो अप जब डाउनलोड हो जाएगा फिर उसको इंस्टॉल करना है. पूरा इंस्टॉलिंग होने के बाद ग्रो अप ओपन करना है. फिर उसका अंदर जो जो मांगेगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो जो मांगे वो देना है. फिर ये सब काम खत्म होने के बाद ग्रो अप ओपन हो जाएगा. फिर ग्रो अप का अंदर अगर कुछ शेयर बाय करना है या सेल करना है, इसके लिए आपको चाहिए एक डिमांड अकाउंट. वो डिमांड अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, IFSC कोड चाहिए, आपका एक सेल्फी चाहिए, आपका एक सिग्नेचर चाहिए. ये सब जो जो डिटेल्स मांगेगा ग्रो अप वो आपको एक वन बाय वन पड़ेगा. फिर ये सब जब आप दे देंगे ग्रो अप को, फिर ग्रो अप 1 or 2 days लेगा इस सब डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए. जब ग्रो अप ये सब डिटेल्स को वेरीफाई कर लेगा फिर आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाएगा स्टॉक बाय या सेल करने के लिए. जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ग्रो अप का अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, देन यू आर एलिजिबल टू बाय और सेल एनी टाइप्स ऑफ शेयर्स और स्टॉक्स इन ग्रो अप. सपोज आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है, फिर क्या होगा? फिर तो पहले हम ग्रो अप को क्लिक करेंगे. देन हम जो पासवर्ड शेयर किए वो पासवर्ड को टाइप करेंगे. देन स्टॉक को क्लिक करना है. देन ये जो सर्च बार है ये सर्च बार को क्लिक करना है. फिर ये सर्च बार में आपको जो कंपनी का शेयर खरीदना है वो कंपनी का नेम टाइप करना है. सपोज मेरे को लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदना है. ये कंपलसरी नहीं है, ये मैं सर्च किया मेरे हिसाब से कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने के लिए चाहता हूँ. आपको जो कंपनी में इन्वेस्ट करना है वही कंपनी का नाम आप सर्च करेंगे, फिर वही कंपनी आने के बाद वही कंपनी का शेयर खरीदना है. मेरे को लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुछ शेयर खरीदना है तो मैं लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज टाइप करूँगा. लॉयड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड आ गया ये. तो अभी लॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड आ गया. इसका प्राइस कितना है? तो ₹3.05, मतलब 3.05 रुपीज़ एक शेयर का प्राइस है. सपोज मेरे को 10 शेयर खरीदना है तो मैं क्या करूँगा? खरीदने के लिए बाय ऑप्शन को क्लिक करूँगा. फिर बाय ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस शेयर का जगह में, वन शेयर का जगह में मेरे को जितना शेयर खरीदना है उतना शेयर मैं टाइप कर दूँगा. सपोज मेरे को 10 शेयर खरीदना है तो 10 टाइप कर दूँगा 10. देन एक शेयर का प्राइस 3.15 है तो 10 शेयर में खरीदूँगा. तो अभी ये बाय ऑप्शन जो है, ये बाय ऑप्शन को मैं अभी क्लिक करूँगा. फिर ये बाय ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा. फिर बाय ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मेरा 10 ऑर्डर कन्फर्म हो जाए. मीन्स ये 10 शेयर लॉयड स्टील लिमिटेड का कन्फर्म हो जाएगा. ये 10 शेयर मेरा पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा. सेम प्रोसेस अगर मेरे को बेचना है तो कैसे करेंगे? मेरा पास पहले से जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का शेयर पड़ा हुआ है. सपोज वही शेयर से मैं एक शेयर बेचने के लिए चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा? डैशबोर्ड को जाऊँगा. देन मेरा पास जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 2 शेयर है. सपोज एक शेयर मैं बेचने के लिए चाहता हूँ तो सेम प्रोसेस ये बाय के जगह मैं अभी सेल को क्लिक करूँगा. सेल को क्लिक करने के बाद जितना शेयर मैं बेचूँगा उतना शेयर इधर टाइप कर लूँगा. इधर 1 है, जितना शेयर आपको बेचना है उतना शेयर टाइप करना है. मेरे को एक शेयर बेचना है तो एक शेयर में टाइप करूँगा. फिर वेरीफाई सेल करने के बाद आपका जितना शेयर सेल करना है उतना शेयर सेल हो जाएगा. फिर कुछ टाइम के बाद आपका अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा. तो ये ग्रो आपका माध्यम से हम शेयर बाय करेंगे या शेयर सेल करेंगे. दैट्स ऑल अबाउट buying and selling any type of shares in Grow. Thanks to all for watching my video.